सतगुरु की साजी निवाजी प्यारे साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सबसे पहले सतगुरु माता जी का शुक्राना करते हैं जिनकी अपार कृपा हम सब पर हो रही है। सतगुरु सारे संसार के लिए आया हुआ है और सारे ही संसार पर अपनी कृपा बरसा रहा है। दास संगत जी, सतगुरु माता जी का शुक्राना करते हुए दासी आप जी के चरणों में ये विचार रखने जा रही है। इसमें हमें समझाया गया है कि सबसे बड़ा धर्म क्या है। मानवता की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। इस परम पिता परमात्मा को पाना ही सबसे बड़ा धर्म है। जब ये परम पिता परमात्मा जिंदगी में हमारी आ जाता है, हम इसको पा लेते हैं, फिर समझ आ जाती है कि सारा संसार जो है यह हमारा परिवार है और इनकी सेवा करना, इनके दुख दर्द में काम आना हमारा धर्म है जो हमें सतगुरु सिखा रहे हैं। दासी एक स्टोरी आप जी के चरणों में शेयर करेगी, उस स्टोरी में भी हमें यही समझाया गया है कि मानवता की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। कहते हैं एक राजा था, उसके चार बेटे थे। एक दिन राजा ने अपने बेटों को बुलाकर कहा, जाओ किसी धर्मात्मा को खोज कर लाओ जो सबसे बड़ा धर्मात्मा, सबसे बड़े धर्मात्मा को लाएगा, मैं उसी को गद्दी पर बिठा दूंगा। चारों लड़के धर्मात्मा की खोज में चले गए। कुछ दिन बाद बड़ा लड़का वापिस आया। वह अपने साथ एक सेठ को लेकर आया था। उसने राजा से कहा, पिताजी यह सेठ है, यह बहुत ही खूब दान पुण्य करते हैं। इन्होंने मंदिर बनवाए हैं, तालाब खुदवाए हैं, प्याऊ लगवाए हैं और हर रोज साधु संतों महात्माओं की सेवा करते हैं। राजा ने उनका सत्कार किया और वह चले गए। इसके बाद दूसरा लड़का एक दुबले पतले ब्राह्मण को लेकर आया और बोला, पिताजी इन्होंने चारों धामों और सातों पीढ़ियों की पैदल यात्रा की है। व्रत करते हैं, झूठ नहीं बोलते, हमेशा सच बोलते हैं। राजा ने उस धर्मात्मा को भी दक्षिणा देकर विदा कर दिया। फिर थोड़ी देर के बाद तीसरा लड़का एक संत महात्मा को लेकर आ गया। उसने आते ही अपने पिताजी से कहा, पिताजी ये मैं संत महात्मा को लाया हूँ और संत महात्मा के लिए आसन लगाया और वह संत महात्मा ध्यान आंखें बंद करके ध्यान करने लगा। लड़के ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी यह बड़े ही तपस्वी हैं, दिन रात दिन में सिर्फ एक बार खाते हैं और वह भी धूप गर्मी में पंच अग्नि तापते हैं और सर्दी में शीतल जल में खड़े हो जाते हैं। राजा ने उस संत का भी स्वागत किया और कुछ देर के बाद वो संत भी वहाँ से रवाना हो गए, उन्हें भी विदा कर दिया। थोड़ी देर के बाद चौथा लड़का जब लौटा तो वह अपने साथ मैले कुचैले कपड़े पहने एक देहाती को लाया जो ऐसे लग रहा था कि किसी गांव का रहने वाला है। और वह अपने पिताजी से कहता है, पिताजी यह देखो मैं इनको लेकर आया हूँ, यह एक कुत्ते के घाव धो रहे थे लेकिन मैं इन्हें नहीं जानता हूँ, आप ही पूछ लीजिए कि यह धर्मात्मा है या नहीं है। राजा ने उस दुबले पतले व्यक्ति से पूछा, क्या तुम धर्म कर्म करते हो? वह व्यक्ति बोला, मैं अनपढ़ हूँ, मैं धर्म कर्म क्या होता है यह नहीं जानता। कोई बीमार होता है
तो मैं उसकी सेवा कर देता हूँ। कोई मेरे से अन्न मांगता है, रोटी मांगता है, तो मैं उसको रोटी दे देता हूँ। कोई पानी मांगता है, तो मैं उसे पीने के लिए पानी दे देता हूँ। राजा ने कहा, यही सबसे बड़ा धर्मात्मा है। सबसे बड़ा धर्म बिना किसी इच्छा के, बिना किसी कामना के गरीबों की, ऐसायों की सेवा करना, जिसको उस समय मदद की जरूरत है उसकी सेवा करना। कहते हैं कि यही सबसे बड़ा धर्म है। दान धर्म के पीछे भावना भी पवित्र होनी चाहिए, मन भी पवित्र होना चाहिए। ये नहीं, अगर किसी को कुछ दिया जा रहा है तो उसका ढिंढोरा भी पीटा जा रहा है कि मैंने इतने दान किए हैं, मैंने इतने मंदिर बनवाए, इतने हॉस्पिटल बनवाए, मैंने इतने प्याऊ लगवाए। नहीं, वो तो कहते हैं कि दिखावे का जो दान होता है वो गुप्त नहीं रहता, वो कभी भी प्रवान नहीं होता। जो गुप्त दान किया जाता है, जैसे किसी गरीबों की सहायता कर देनी, जिसको जिस समय हेल्प की जरूरत होती है उसकी हेल्प कर देनी। और संपूर्ण हरदेव वाणी में भी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज समझाते हैं कि सही मायनों में सच्चा भगत वही होता है जो मदद करके कभी जुतलाता नहीं है। भगत मदद करता तो कहता, दाता तेरी रहमत है। जब भगत किसी की मदद करता है तो यही कहता है कि सच्चे बादशाह, मेरे में कोई इतनी ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है, हिम्मत नहीं है, ये सब कुछ करने कराने वाला तू ही है। हर बात में इस परम पिता परमात्मा निरंकार को ही क्रेडिट देता चला जाता है। भगत मदद करता तो कहता, दाता तेरी रहमत है, किसी के काम आ पाने की बख्शी तूने ताकत है। दान भी करता है तो नजरे नीचे करके करता है, कोई उसे नादानी समझे वो इस बात से डरता है। जो सही मायनों में भगत होता है वे निष्काम भाव से सेवा सिमरन सत्संग करता चला जाता है। निष्काम भाव से सबकी सेवा करता है। सारे संसार के अंदर इस परम पिता परमात्मा का अंश देखते हुए सभी से प्यार करता है। जहाँ पर भी जिसको सहायता की जरूरत होती है उसकी सहायता करता चला जाता है। ऐसे ही दासी एक और आप जी के चरणों में स्टोरी रखेगी। ये माता पार्वती जी की दया और त्याग की महिमा पर है। कहा भी गया है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब लखत में प्राण। कहते हैं कि एक बार माता पार्वती जी ने भगवान को पति रूप में पाने के लिए घोर तप किया। भगवान शिव जी ने खुश होकर उन्हें इच्छित वर दे दिया और अंतर ध्यान हो गए। माता पार्वती जी को तभी अचानक किसी बालक के रोने की आवाज सुनाई दी। माता पार्वती जी बालक की ओर दौड़ी तो देखा कि एक सुंदर सरोवर में बालक को एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया है। माता पार्वती जी बोली, मगरमच्छ बालक को छोड़ दो। मगरमच्छ बोला, माता पार्वती जी, यह मेरा भोजन है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। तुम अपना तप मुझे अर्पण कर दो तो मैं इसे छोड़ सकता हूँ। माता पार्वती जी बोली, इस तप की तो बात ही क्या है, मैंने जन्म भर में जो पुण्य इकट्ठे किए हैं सब तुम्हें अर्पण करती हूँ, लेकिन तुम इस बालक को छोड़ दो। इतना कहते ही मगरमच्छ का शरीर तप के तेज से चमक उठा। वह बालक को छोड़कर अंतर ध्यान हो गया। इधर पार्वती जी का अपना तप चला गया तो उन्होंने दोबारा तप करने का निश्चय किया। तभी भगवान शिव जी प्रकट होकर बोले, देवी तुम्हें फिर तप नहीं करना पड़ेगा, तुमने यह तप मुझे ही दिया है। बालक और मगरमच्छ भी मैं ही था। तुम्हारी दया और त्याग की महिमा देखने के लिए मैंने यह लीला रची है। दान के फल स्वरूप तुम्हारी तपस्या अब 1000 गुना होकर अक्षय हो गई है। सात संगत जी, क्या
कहने का भाव यही होता है कि जो अपना सब कुछ सतगुरु के चरणों में, निरंकार के चरणों में अर्पित कर देता है, फिर यही कहता है मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझके सौंपते, क्या लाके है मेरा, तो उस पर भगवान खुश हो जाते हैं। यही है मानवता की सेवा। जब हर जन में, हर घट में इस प्रभु के दर्शन होते हैं तो ये प्रभु बहुत ही खुश होता है। फिर इस निरंकार को ये हो जाता है कि इसको ब्रह्म ज्ञान की समझ आ गई है। फिर ऐसे गुरसिक पर सतगुरु निरंकार बलिहार जाता है। ऐसा जो गुरसिक होता है, ये तो भगवान शिव जी और माता पार्वती जी के त्याग की महिमा गाई गई है, लेकिन सही मायनों में जो गुरसिक होता है, वह भी अगर सब कुछ सतगुरु के चरणों में समर्पित कर देता है तो सतगुरु उस पर दयाल हो जाता है। इससे हमें यह भी सीख मिली है कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब लखट में प्राण। हमें सतगुरु भी यही समझाते हैं कि धर्म का मूल जो है वो दया है, हमने हर एक पर दया करते चले जाना है, और पाप मूल जो पाप है ये अभिमान की जड़ है, जब अभिमान मन में आता है तभी पाप होते हैं। और कहते हैं कि तुलसीदास जी ने क्या समझाया है, तुलसीदास जी ने कहा है जब तक इस शरीर में श्वास है, प्राण है, तब तक हम दया करते चले जाएं। हमने दया इस भाव से नहीं करनी कोई एहसान करना है, नहीं, हमने हर एक जीव में प्रभु परमात्मा का अंश देखते हुए, ज्योति देखते हुए सभी को हमने नमस्कार करनी है और सभी पर हमने दया करनी है। कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना है। इस तरह हमें सतगुरु समझा रहे हैं कि हमने हर एक के साथ प्यार ही प्यार करते चले जाना है, प्यार ही प्यार बांटना है। संपूर्ण हरदेव वाणी में भी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज शब्द नंबर 137 के द्वारा हमें समझा रहे हैं, प्यार बिना ये जीवन भाई क्या जीवन कहलाएगा, जीवन तब जीवन है दिल में प्यार अगर आ जाएगा। यहाँ पर भी सच्चे पातशाह हमें समझा रहे हैं कि अगर दिल में प्यार नहीं है तो फिर ये जो जीवन है तेरा, ये यूं ही व्यर्थ ही जा रहा है। अगर तेरे दिल में प्यार आ जाएगा तभी तेरा सही मायनों में जीना जो है वो सार्थक होगा। जब जब भी इंसान ने जग में प्यार से नाता तोड़ा है, यही समझ लेना इंसान ने तब तब जीना छोड़ा है। कहते हैं कि जब भी इंसान के मन में प्यार नहीं आया तब समझो कि उसके अंदर इंसानियत रह ही नहीं गई है, तब उसने अपना जीना जो है वो छोड़ दिया है। प्यार नहीं है जिस दिल में, वो दिल नहीं है, पत्थर है। यहाँ पर भी सच्चे पातशाह हमें समझा रहे हैं कि जिस दिल में प्यार नहीं है फिर वो दिल पत्थर बन गया है। प्यार से जो भरपूर है रहता, वो दिल पूजा का घर है। जिस दिल में दूसरे के लिए प्यार है, कहते हैं कि यही तो सही मायनों में मंदिर बन जाता है। फिर ये जो जब मन में प्यार दूसरे के लिए आ जाता है तो जो प्यार करता है वो पूजा का घर बन जाता है, वो मन मंदिर बन जाता है, फिर उसकी हर जगह पूजा होती है। जब वो दूसरे को प्यार देता है तो उससे प्यार, अगर वो एक से, वो अगर प्यार करता है एक से, तो उसके आगे 100 और प्यार करने लग जाते हैं, क्योंकि वो अपने कर्मों के द्वारा प्यार दिखा रहे हैं। जब ऐसा हो जाता है तो जिस तरह सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी समझाते हैं कि जब कोई हमारे रूम में आता है और हमें खुशी मिलती है कि ये आया है और ये थोड़ी देर और रुक जाए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे
को वो ऐसे, अगर कोई इंसान ऐसा आ जाता है कि वो जब रूम से बाहर जाता है तो हम कहते हैं शुक्र है ये चला गया, क्योंकि वो नेगेटिविटी दे रहा था। और एक इंसान जब रूम में आता है तो हम कहते हैं कि ये थोड़ी देर और ठहर जाता, इसने तो बहुत अच्छी बातें की हैं, इसके तो बहुत अच्छे कर्म हैं। तो इस तरह हम भी, हमारे मन में भी अगर हमें कोई प्यार देता है तो जब हम उसका प्यार देखते हैं तो हम औरों को भी बताते हैं कि ये बहुत अच्छा इंसान है, इसके अंदर बहुत गुरमत बसी हुई है। तो हम उसके प्यार को देखते हुए, उसकी बातें सुनकर और भी इंसान उसके कर्मों के साथ, उसके साथ जुड़ते चले जाते हैं। तो यहाँ पर समझाया है कि प्यार से जो भरपूर है रहता, वो दिल पूजा का घर है, फिर वो दिल मन मंदिर बन जाता है। ये मालिक है प्यार का सागर, इससे जो जुड़ जाएगा, ये मालिक तो प्यार का सागर है, ये प्यार बांट रहा है, इसके पास तो प्यार है। कहते हैं जिसके पास जो होता है वो वही देता है, जिसके पास नफरत होती है वो नफरत बांटता है, जिसके पास प्यार होता है वो प्यार बांटता है। ये मेरा सतगुरु सच्चा पातशाह, ये प्यार का सागर है और ये प्यार ही बांट रहा है। फिर जो भी इस विशाल प्रभु से जुड़ जाता है, फिर वो ऐसा प्यार वाला ही बन जाता है। जिस तरह कहते हैं कि जिस तरह का हम संग करते चले जाते हैं वैसा ही रंग चढ़ जाता है। इसी तरह जो किसी हंसते हुए इंसान के पास आकर बैठता है तो वो भी अगर दुखी होता है तो वो भी हंसने लग जाता है। यहाँ पर तो संसार, इस सतगुरु के चरणों में तो प्यार ही प्यार है, ये सुख का सागर है, रहमत का सागर है, ये रहमत ही देता है। इस स्तर पर आकर सुख ही सुख मिलते चले जाते हैं। कहे हर देव ना कभी प्यार से वंचित वो रह पाएगा। कहते हैं कि फिर वो प्यार ही प्यार बांटेगा तो उसको प्यार मिलेगा, वो बदले की भावना नहीं भी रखेगा कि मैं प्यार दे रहा हूँ मुझे प्यार मिले, लेकिन फिर भी उसे प्यार मिलेगा, क्योंकि वो प्यार बांट रहा है, उसका काम है प्यार देना, और वो इस रहमत के सागर से जुड़ा है। जो इसके साथ जुड़ जाता है, कहते हैं कि फिर उसके दिल में कोई नफरत, वैर, विरोध, क्रोध, लोभ, अहंकार रह ही नहीं जाता, क्योंकि ये मेरा सतगुरु सच्चा पातशाह प्रेम करना सिखाता है। प्रेम, नम्रता, विशालता, सहनशीलता, प्रेमा भक्ति ये सिखा रहा है। जो जो सीखता चला जाता है, जो स्तर पर आकर सीख जाता है, सीखता रहता है, सीखता रहता है, कहते हैं कि वो सही मायनों में भक्ति पा लेता है और वो गुरु के दिल में जगह बना लेता है। फिर जब गुरु के दिल में जगह बन जाती है तो फिर उसे और किसी चीज की कोई जरूरत ही नहीं रह जाती। जिस गुरसिख ने गुरु के दिल में अपनी जगह बनाई है, कहे हर देव गुरु भक्ति की कला उसी को आई है। जिसने सच्चे पातशाह को रिझा लिया है, जिसने सतगुरु को रिझा लिया है, कहते कि भक्ति की कला फिर उसने सीख ली है। आओ दातार से यही अरदास करें सच्चे पातशाह, हम भी इसी तरह हैं, आप जी के दर पर आकर ये भक्ति की कला अंतिम श्वास तक सीखते रहे। हमें अपने चरणों से लगा के रखना, हम तो निमाने निताने आप जी के चरणों में आए हैं दाता सच्चे पातशाह, चरणों से लगाए रखना, हमारी भूलों को बख्शना, कृपा बनाए रखना, हमसे कभी भी कोई गलती ना हो सच्चे पातशाह। अपना मेहर भरा हाथ हर एक जीव के ऊपर रखना, मेहर भरी नजर रखना, कभी भी सच्चे पातशाह किसी का दिल ना दुखाएं। जाने अनजाने में भी हमसे किसी को कोई ऐसा शब्द ना भूल जाए जिससे किसी का दिल दुख जाए। हे मेरे दाता दीन दयालु, आप जी रहमत के सागर हो, दया के सागर हो, इसी तरह हर एक जीव के ऊपर अपनी दया बरसाते रहना। सबके घर में खुशियाँ खेड़े हों, जिस जिस को भी जिस जिस चीज की जरूरत है सच्चे पातशाह, तन मन धन के सारे सुख सभी को देना, और सेवा सिमरन सत्संग के साथ जोड़ के रखना। आप जानी जान अंतर्यामी घट घट वासी हो, आप जी को सब पता है, जो जो भी जिसके लिए सुखदाई है सो सो ही देते चले जाना। मेरे मालिक तै तो ही मंगा दाता, हाथ किधरे ना फैलावा, कर मेहर मेरे दाता तेरा नाम ना भुलावा, स्वासां दे मणके मणके
तैनू सिमरते जावा। हे मेरे मालिक, हर सांस में आप जी का सिमरन होता रहे, आप जी की याद बनी रहे। कोई भी पल ऐसा ना आए जब हम भूल जाएं तुझे सच्चे बादशाह। रहबर तेरे चरणों में हर सांस गुजर जाए, जिस सांस तुझे फूलू वो सांस ठहर जाए। जी ये विचार करते हुए दासी से बहुत सी गलतियाँ भी हुई होंगी, दासी को अनजान बच्ची समझ के क्षमा कर देना। आगे के लिए सुमत बख्शना, सबके भले के लिए दासी सिमरन कराएगी, सभी ने मिलकर सिमरन में साथ देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सात संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।